बाद जब गुंडा एमपी बृजभूषण शरण सिंह गुंडाई पे उतरा हुआ है, ये गुंडा एमपी तुम पर रेप का आरोप लगा है और तुम सार्वजनिक रूप से पूछते हो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये तुमको बताया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पार्टी में जितने रेपिस्ट हैं सारे सांसद तुम्हारे ही पार्टी में है, जितने गुंडा हैं सारे सांसद तुम्हारे पार्टी में है। ये कुलदीप सेंगर कौन था, ये कौन है कुलदीप सेंगर, ये चिन्मयानंद कौन है, ये बृजभूषण सिंह कौन है, जितना रेपिस्ट और गुंडा बीजेपी में ही क्यों है, ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी, अगर आप बृजभूषण सिंह का इस्तीफा नहीं दिला सकते हैं तो खुद इस्तीफा देते हैं नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी दोगलापन अब नहीं चलेगा, ये आपकी दोहरी नीति देश में नहीं चलेगी, इस्तीफा भी लेंगे और गिरफ्तारी भी करवाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, एकदम गिरफ्तारी करना पड़ेगा। बृजभूषण सिंह का नाम आपने सुना होगा, वही जो पहलवान है और साथ ही साथ सांसद है भाजपा के टिकट के द्वारा, पिछले 7 बार वो सांसद रहे हैं। लेकिन आज देखिए बिहार के राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो हम हो, सीपीआई हो, जदयू हो या उसके अलावा में सीपीआई एमएल हो, सारी पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये लोग आज बृजभूषण जी को गिरफ्तार करवा दीजिएगा का इतना जोर। देखिए गिरफ्तार तो उसी दिन होना चाहिए जिस दिन पॉक्सो एक्ट लग गया। भारत में क्या 2 कानून है, हम पर अगर पॉक्सो कानून अगर केस होगा तो हम तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। और एक तरफ बृजभूषण सिंह जो बीजेपी का सांसद है, आज महीनों दिन से उस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहा गया 56 इंच का सीना मोदी जी का, खाली झूठ बोलते हैं, खाली जुमलेबाजी मोदी जी का, मोदी जी का मुँह में घी पड़ गया, मुँह चुप हो गया है। आज जब गुंडा एमपी बृजभूषण शरण सिंह गुंडाई पे उतरा हुआ है, गुंडा कैसे बोल सकते, सांसद है महाराज, अरे गुंडा सांसद है जो खुलेआम कहता है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये पूछने वाला कौन होता है। ये गुंडा एमपी तुम पर रेप का आरोप लगा है और तुम सार्वजनिक रूप से पूछते हो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये तुमको बताया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पार्टी में जितने रेपिस्ट हैं सारे सांसद तुम्हारे ही पार्टी में है, जितने गुंडा हैं सारे सांसद तुम्हारे पार्टी में है। ये कुलदीप सेंगर कौन था, ये कौन है कुलदीप सेंगर, ये चिन्मयानंद कौन है, ये बृजभूषण सिंह कौन है, जितना रेपिस्ट और गुंडा बीजेपी में ही क्यों है, ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी, अगर आप बृजभूषण सिंह का इस्तीफा नहीं दिला सकते हैं तो खुद इस्तीफा देते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों थे प्रधानमंत्री हैं, कैसे इस्तीफा देते हैं भाई? नरेंद्र मोदी का पार्टी के एमपी है, ओकरे नाम पर जीता है, तो इस्तीफा कौन देगा? अगर उस बृजभूषण शरण सिंह नहीं देता है तो नरेंद्र प्रायोजित लड़कियां है ना, जो पहलवान है प्रायोजित है कांग्रेस के द्वारा, जदयू के द्वारा, ये लोग सब वहाँ लड़कियों को बैठाए हैं अपना। ये बात अगर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तब तो उनको ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन्हीं बेटियों को जब जीत के आया था तब बगल में बैठा के बोले थे नरेंद्र मोदी, ये देश की बेटी है, ये हमारी बेटी है, हम भोजन कराए थे। तब कौन प्रायोजित था, जब बेटी जीत कर आई थी तब कौन प्रायोजित था? असली पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, ये डुप्लीकेट जो पहलवान है ये सब बैठा है। असली पहलवान भी यही है और डुप्लीकेट पहलवान बृजभूषण सिंह के शरण में है। ये बृजभूषण शरण सिंह, ये नरेंद्र मोदी कहता है परिवारवाद, बृजभूषण शरण सिंह का बेटा एमएलए और कुश्ती संघ का सचिव भी है। ये नरेंद्र मोदी दोगलापन अब नहीं चलेगा, ये आपकी दोहरी नीति देश में नहीं चलेगी, इस्तीफा भी लेंगे और गिरफ्तारी भी करवाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, एकदम गिरफ्तारी करना पड़ेगा, गिरफ्तारी करना पड़ेगा। चलिए तो ये देखिए, ये महागठबंधन के जितने भी पार्टी के नेता हैं लोग, ये सारे लोग आए हैं, एक बैनर भी लगाया गया है और गाड़ी से ये लोग प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बाकी और भी बातें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।